नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में फिर एक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां महिला के नंदोई द्वारा ही छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने नंदोई के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश की जा रही है। मामला इंदौर से द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने पति के साथ अपनी ननद के यहाँ शादी की सालगिरह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी, जहाँ उसके नंदोई द्वारा उसे अकेला पाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे बुरी नीयत से छुआ भी। ये बात महिला ने अपने पति को बताई। इसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी नंदोई के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें फरियादिया जो है कहीं और दूसरी जगह की रहने वाली है और उसके रिश्तेदार नंदोई ननंद का शादी की सालगिरह थी, उस पर दोनों पति पत्नी साईं बाबा नगर में उसके परिवार के यहाँ आए थे। अकेला पाकर रात में उसके नंदोई ने पीछे से बुरी नीयत से छू लिया उसको। महिला यहाँ आई थी, जिस पर से उनकी रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध धारा 354 कामित किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी अभी विषय जांच में है, वो उसको दिया है जो विवेचक हैं उनसे चर्चा करके फिर आगे की बात। टाइम न्यूज़ देखिए आप।